और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां सतपुड़ा भवन में कल आग लगी थी और उसे लेकर अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू बैठक की है। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी सहित मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभुराम चौधरी अधिकारियों की जानकारी ली गई और साथ ही साथ राजेश रजौरा, मोहम्मद सुलेमान, नीरज मंडलोई तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हुए। सतपुड़ा भवन में किसी भी कर्मचारी के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगी गई है और यह भी बताया जा रहा है कि सतपुड़ा भवन के सभी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया जा चुका है। रिव्यू मीटिंग और उसके बाद ये स्थिति कि वहां पर किसी को जाने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई। और इसी को लेकर एक और बड़ी जानकारी, एसीएस राजेश रजौरा का बयान इसे लेकर सामने आया है। जांच टीम अपना काम कर रही है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कह सकेंगे। हमारी टीम पूरी घटना की जांच में लगातार जुटी हुई है, 3 दिन बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी और हम लगातार घटनास्थल का भी दौरा करें। एक्सपर्ट्स की टीम अपना काम कर रही है, फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर मौजूद है, जो सैंपल्स मिले हैं उन्हें कलेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद ही जांच में कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा। सदस्यों ने अभी दौरा किया, इसमें जो है वो 3 एक्सपर्ट्स की कमेटियां अलग अलग अपना काम कर रही हैं। एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की है, एक ईएनएम विंग की है और एक फोरेंसिक की टीम है और विशेषज्ञ अपना काम कर रहे हैं। उनके जब तथ्य सामने आएंगे और जो बयान वगैरह होंगे सब लोगों के, उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि इसके कारण क्या। सर प्रथम दृष्टि क्या, तो जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा, ये राजेश रजौरा की तरफ से कहा गया। तमाम अधिकारी भी इस रिव्यू मीटिंग में मौजूद थे। ये भी कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक की टीम ने कुछ सैंपल्स दिए हैं और इन सैंपल्स के आधार पर भी आगे की जांच होनी है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से यहां पर आग लगी थी। और किसानों को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि बढ़ाई गई है, 4,000 से बढ़ाकर इस राशि को 6,000 कर दिया गया है। अब किसानों को 2,000 ज्यादा पैसे मिलेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बराबर अब ये राशि हो चुकी है और अब किसान भाइयों को 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। पहले 6,000 केंद्र सरकार की तरफ से, 4,000 मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, कुल मिलाकर 10,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब केंद्र के बराबर राशि हो जाने की वजह से कुल मिलाकर इस योजना के तहत 12,000 रुपए किसानों को दिए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, चुनावी साल भी और लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे ही वादे कर रही है। इसी तरह का इजाफा भी कहीं ना कहीं भुगतान में भी देखने को मिल रहा है और मानदेय भी लगातार सरकारी कर्मचारियों के बढ़ाए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय में बढ़ोतरी बीते दिनों हमने देखी और अब किसान कल्याण योजना की राशि भी बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसके चलते 4,000 रुपए किसानों को दिए जाते थे, अब 2,000 रुपए और बढ़ाए गए हैं, यानी कि 6,000 रुपए की राशि कुल मिलाकर दी जाएगी। तो केंद्र सरकार भी 6,000 रुपए किसानों को देती है और इससे अब कुल मिलाकर देखा जाए अगर तो 12,000 रुपए किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को मिलने वाले हैं। तो आज के कार्यक्रम की भी ये तस्वीरें हम आपको साथ ही दिखा रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पहुंचे थे। किसानों को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, केंद्र सरकार के बराबर मध्य प्रदेश सरकार भी इस योजना के तहत अब किसानों को ये राशि देने वाली है। 6,000 की राशि अब किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। पहले 4,000 ये राशि दी जाती थी, लेकिन अब 2,000 रुपए का इजाफा और इसी के साथ हर एक किसान को 6,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए, कुल मिलाकर 12,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके बराबर अब ये राशि कर दी गई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।